मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, जीडीए उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त, विद्युत विभाग, एनएच, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य क्रम अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिया कि त्वरित आर्थिक विकास के अंतर्गत नगर निकाय एवं नगर निगम में नगरीय सड़कों के जो कार्य हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता की जांच को राइटर संस्था के माध्यम से कराया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता न हो। मुख्यमंत्री ने जल भराव की समस्या के पूर्ण निदान के लिए लेडार सर्वे का प्रस्तुतिकरण को देखा और निर्देश दिया कि जीडीए, नगर निगम, आवास विकास तथा जल निगम समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य कराएं तथा लेडार सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर डीपीआर एक माह में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को भी तकनीकी सहयोगी के रूप में जोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि पूरे शहर के जल निकासी के लिए मिलकर कार्य करेंगे। उन्होंने बरसात में जल जमाव वाले क्षेत्रों को वरीयता देकर एक साल के अंदर उन क्षेत्रों को जल निकासी से मुक्त कराया जाए। उन्होंने जनपद में जल निकासी के लिए पंपों की वृद्धि कराने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि तरकुलानी रेगुलेटर का कार्य अगले वर्षों से पहले पूर्ण हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि रामगढ़ताल को डी सिल्टिंग किया जाए जिससे कि रामगढ़ताल के क्षेत्र जल जमाव से मुक्त हो सके। उन्होंने मोहद्दीपुर, जंगल कौड़िया, गोरखपुर, वाराणसी फोर लेन के कार्यों के निर्माण की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि मजदूरों की संख्या को बढ़ाकर दुगना किया जाए। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहर के बिजली के तारों को अंडरग्राउंड किया जाए तथा महाराजगंज से गोरखपुर फोर लेन पे बने यूटिलिटी डक्ट के में तारों को डाला जाए। उन्होंने नगर निगम और नगर निकायों में स्वीकृत 93 सड़क और नाली की परियोजनाओं को तत्काल कार्य आरंभ करने को कहा। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए डोर टू डोर सर्वे पर बल देते हुए कहा कि बुजुर्ग, गंभीर बीमारी से ग्रसित, कोमार्बिड के मरीजों सहित बच्चे, गर्भवती महिला का विशेष निगरानी किया जाए और उनकी जांच कराते हुए जल्द से जल्द उपचार भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने संबंधित को निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज 500 बेडेड अस्पताल में किया जाए।